हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज बनाने जा रही मैं हैंड वॉश। कैसे बनाया जाता है? बचे हुए साबुन के टुकड़ों को हम अच्छे से काट लेंगे, इन्हें बारीक बारीक पीस में, या कद्दूकस भी कर सकते हैं आप कद्दूकस में। और उसके बाद जो है एलोवेरा तोड़ लिया मैंने फ्रेश, बिल्कुल ढेर सारा था तो खूब सारा। इसका आधा मैं साबुन भी बनाऊँगी और ज़्यादा, और बाकी हैंड वॉश भी बना रही हूँ। तो इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना अच्छे से वॉश करके, और फिर उसके बाद जो है साबुन का जो मटेरियल है ऑनलाइन परचेज किया था मैंने, वो भी बारीक टुकड़ों में काट के मैं पिघालने रख दूंगी। अभी पानी के ऊपर पिघालना, इसे जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था। और एलोवेरा को ग्राइंड करने के बाद जो है हम इसमें डिटॉल का एक या दो ढक्कन जितनी क्वांटिटी है डिटॉल डालेंगे इसमें, और छोटे छोटे टुकड़े साबुन के थे बचे हुए वो काट के मैंने इसी में ग्राइंड किए हैं, और एलोवेरा है और डिटॉल डाला, तो हैंड वॉश इससे बन जाएगा, बहुत सारा बना है। और उसके बाद जो बच गया था उसका मैंने ग्राइंड करके और एलोवेरा और साबुन, देख सकते हैं आप, साबुन के लिए तैयार कर दिया। एलोवेरा बहुत सारा था तो मैंने सोचा बढ़ा लेती हूँ। ये देखिए, काफ़ी दिनों तक चलता है, सालों साल चलेगा ये, कभी भी इसमें खराब नहीं हो सकता ये। और इसे जमने के लिए मैंने अलग अलग सांचे रखे, छोटी छोटी डिब्बियाँ जैसे मैंने बताया था प्लास्टिक की है। इसमें पहले ऑयल लगा लें ताकि आसानी से साबुन छूट जाए आपका। ये देखिए, इस तरह के जितने भी छोटे छोटे बॉक्स है तो इसमें, और एक ट्रे ली थी मैंने फ्रिज वाली, फ्रीजर में जो ट्रे होती है उसमें भी ऑयल लगा के छोटे छोटे पीसेस डाले मैंने, उसमें थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड डाला है, छोटे छोटे सांचे उसमें। तो जैसे कहीं हम घूमने जाते तो अपने पर्स में साबुन ले जा सकते हैं हाथ धोने के लिए, छोटी छोटी टिक्कियाँ सी। तो अलग अलग डिज़ाइन में बनाई है मैंने, देख सकते हैं आप। बस इस तरह से ग्राइंड करना है, इसे देर तक करना है ढंग से, और लिक्विड बन जाता है बिल्कुल। छिलके के साथ ही किया मैंने ग्राइंड ये एलोवेरा, तो इसके फ़ायदे तो पता ही है, बहुत ही ज़्यादा होते हैं ये। अगर ग्राइंड करके जेल भी बना सकते इसका फेस वॉश करने के लिए। तो अभी मैंने हैंड वॉश का ही था आज मेरा स्पेशली। तो ये देखे, इसमें डिटॉल के दो ढक्कन डाले मैंने, काफ़ी बड़ी बॉटल है और ज़्यादा क्वांटिटी में, तो दो ढक्कन मैंने इसके डाले, कुछ एलोवेरा और कुछ पुराने साबुन बचे थे, कभी भी ना फेंके, पुरानी टिक्कियाँ जो बच जाती हैं उन्हें कभी ना फेंके, काट के और इस तरह से साबुन के मटेरियल के साथ डिटॉल डाल के भी बना सकते हैं आप हैंड वॉश, बहुत ही इजीली बन जाता, तो मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल फ्री में बन जाएगा। जैसे घर में साबुन पड़ा ही होता है, बचता जाता है, छोटी छोटी टिक्कियाँ तो किनारे फेंकते जाते, तो उसे फेंके ना कभी नहीं, और हैंड वॉश की बॉटल भी कभी ना फेंके, ये बहुत काम आने वाली बॉटल है। इन्हें धो के अच्छे से रखें और फिर इस तरह से डालें। मैं तो ये शैम्पू वाले में डाल रही हूँ, धोया हुआ है तो काफ़ी सारा, स्मेल करके भी देखा मैंने बहुत ही ज़्यादा, और झाग भी बहुत ही अच्छी निकल रही है, तो बहुत ही अच्छे से बना करके, ज़्यादा जैसे क्वांटिटी में बनाते हैं आप तो बना के फ्रिज में रखें इन्हें, और उसके बाद जो है आपका ख़राब तो हो ही नहीं सकता कभी भी। ये देखिए, इसका मटेरियल मैंने ऑनलाइन जो परचेज़ किया था इसे पिघाल के मैं इसमें डाल दी हूँ, क्योंकि कम डाला है मैंने, साबुन भी काट के डाला ये इसमें जो बचा हुआ था, तो इसलिए इसका मटेरियल जो कम ही यूज़ किया मैंने। ये देखे, सांचे में डाल दी मैं, ये अलग अलग डिज़ाइन की बन जाएगी, बाकी जो बची तो इस तरह से साबुन नहीं, तेल लगा करके इस तरह से ताकि आसानी से छूटे। ये छोटे छोटे खाने में इसलिए डाल दी हूँ कि कभी भी कहीं जाना हो बाहर, हमने तो पर्स में ले जा सकते हैं, ना ज़्यादा भारी लगेगा ना कुछ, छोटी छोटी टिक्कियाँ। तो ये देखिए, इस तरह से हैंड वॉश के लिए बाहर जब भी जाए तो हाथ धोने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये। ये देखिए इस तरह से, और जैसे मैंने बताया बॉटल तो कभी भी ना फेंके, बहुत काम आती है हर चीज़ जिन्हें हम बेकार समझते कूड़े में। तो गाइज, ये थी मेरी एलोवेरा हैंड वॉश की, और बचे हुए टुकड़े जो होते हैं साबुन के उसके हैंड वॉश कैसे कैसे बनाया जाता है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो एलोवेरा की हैंड वॉश पर, और डिटॉल डाल के बन जाता है बहुत ही अच्छा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। और इसे जमने के लिए फ्रिज में रख दें आप, 24 घंटे के लिए छोड़ दें जमने के लिए। और ये जो बाद में बच गया धो के, इसमें जो बच जाता है इसका मटेरियल का जो जितना भी बच जाएगा, तो जो किचन के पोचे होते जो गैस के, वो इसमें डीप करें इस तरह से, तो जैसे मैंने दिखाए, तो कहीं भी व्यर्थ नहीं जाता है, कुछ भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती है।